हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं द स्मार्ट मूवीज वॉक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई अक्षय कुमार स्टार द लक्ष्मी बॉम्ब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं लक्ष्मी बॉम्ब की, जो कि एयर 2011 में रिलीज हुई तमिल कॉमेडी हॉरर फिल्म कंचना की रिमेक है। वैसे देखा जाए तो इस फिल्म का नाम लक्ष्मी बॉम्ब है, लेकिन ये बॉम्ब बिल्कुल फुस है जो कि एंड तक फूटता ही नहीं। इस फिल्म की लेंथ पूरे 2 घंटे 21 मिनट की है। अगर आप अपना दिमाग साथ में रखकर फिल्म देखते हैं तो ये फिल्म आपकी नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने 2011 में आई हुई तमिल फिल्म देखी है तो आप इस फिल्म को बिल्कुल स्कीप कर सकते हैं, क्योंकि तमिल के राघवेंद्र की फिल्म के आगे ये फिल्म कुछ भी नहीं है। कहानी शुरू होती है आसिफ से, जिसने पिया नाम की लड़की से भागकर शादी की है, जिसकी वजह से पिया के घर वाले आसिफ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक दिन आसिफ को लेकर पिया अपने घर जाती है अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी पे। वहां पहुंचने के बाद आसिफ के शरीर में लक्ष्मी नाम के एक किन्नर की आत्मा उसके बॉडी में आ जाती है। अब ये सब भसूड़ी क्या है, इसमें क्या नाटक है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म, वो भी माइंड को बिल्कुल घर पे रखकर। अगर बात करें अक्षय कुमार के फैंस की तो उनके लिए ये वन टाइम वॉच मूवी तो है ही। बात करते हैं उनके परफॉर्मेंस की, जो कि इस फिल्म में लाजवाब है। अक्षय कुमार के अलावा बाकी जितने भी साइड एक्टर हैं, किसी की एक्टिंग में दम नहीं है। डायरेक्टर ने उनसे कोई भी सही से काम नहीं लिया है। बात करते हैं फिल्म के गानों की, एक बुर्ज खलीफा को छोड़ दें तो बाकी सारे गाने बकवास हैं, जो कि फिल्म की लेंथ को लंबा और बोर ही करते हैं। बात करते हैं फिल्म की कहानी की, जो कि नया कुछ भी नहीं देती। कॉमेडी हल्की फुल्की है, जो कि बीच में आपको हंसाएगी भी, लेकिन 2011 की कंचना के मुकाबले में कॉमेडी कुछ भी नहीं। एक्शन पूरी फिल्म में है नहीं, लास्ट में कुछ एक्शन सीन्स आते हैं, वो भी कुछ दमदार है नहीं। डायरेक्शन फिल्म का एवरेज ही है। बात करते हैं फिल्म के हॉरर की, जो कि ठीक ठाक है, बीच बीच में आपको थोड़ा डराएगा भी, और सस्पेंस फिल्म में बिल्कुल ना के बराबर है। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की बहुत ही खूबसूरत कड़ी की, कियारा आडवाणी की, जो कि फिल्म में सिर्फ और सिर्फ ग्लैमरस के लिए रखी गई हैं, और वो फिल्म में लगी भी बहुत हॉट है। मेरी फाइनल रेटिंग इस फिल्म के लिए है 5 out of 2, क्योंकि ये एक कॉपी की गई फिल्म है और कॉपी भी सही से नहीं हुई है। कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ यूज़ नहीं करी गई है। मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।